नीम का पेड़ 55 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकता है और लगभग 12 फीट का पेड़ 3 एसी एयर कंडीशनर के बराबर ठंड पैदा करता है। और नीम, बरगद, पीपल गिने चुने पेड़ ही 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। राम राम सारा ने, कैसे हो? सारे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। उसका कारण है गर्मी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सभी का निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में केवल हम पेड़ों के बारे में ही जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। ना भी पसंद आवे जब भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारे वातावरण को शुद्ध रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बरगद एक लगाइए, पीपल रोपे 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच। तो इसी प्रकार एक और बताता हूँ, विश्व ताप मिट जाए, होए हर जन मन गदगद, धरती पर त्रिदेव है नीम, पीपल और बरगद। आप सभी को मेरी ये बातें अजीब सी बकवास लग रही होगी, किंतु ये बातें सभी सत्य हैं। पिछले 68 सालों में पीपल, बरगद और नीम के पेड़ों को सरकारी स्तर पर लगाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और बरगद का पेड़ 80% व नीम का पेड़ 75% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और इन सब को ना लगाने का कारण आप सभी को बता दें कि जो विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए आती हैं और सरकार उनको अनुमति दे देती है, वो भी उन प्रोडक्ट को जो उनके देशों में तो बैन कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर वे खुलेआम बिकते हैं। और इन प्रोडक्ट की जो कमाई होती है उसका जो हिस्सा हमारी सरकार को जाना चाहिए, वो हमारी सरकार को नहीं, उस टचमुंजी नेता के अकाउंट में जाता है जो उस कंपनी को लेकर आया था। और हम इन सभी बातों को ज़्यादा गौर नहीं देते, क्योंकि हमें केवल अपने से मतलब होता है, देश से नहीं और देश के स्वास्थ्य से नहीं। तो आइए कुछ पहल करते हैं। अगर मेरे ऐसे विचार से देश में 0.1% भी बदलाव आता है तो मैं ये शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ और जल्दी जल्दी ऐसी ऐसी वीडियो बना के आपके सामने पेश करता रहूँगा। यूके लिपिस्ट, जो कि एक विदेशी पेड़ है, आप सब जानते हैं, हरियाणा में इसे सफेदा, उत्तर प्रदेश में इसे लिपसिट और बाकी जगह का मुझे नहीं पता क्या इसका नाम है, लेकिन ये पेड़ जो है केवल एक व्यापारी पेड़ है। इसको लगाते हैं केवल पैसा कमाने के लिए, क्योंकि 2 या 4 साल में ये पेड़ बड़ा हो जाता है और इसको काट कर हम मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इससे जो हमारे पर्यावरण पर असर पड़ता है वो आप सब जानते हैं। वातावरण में जो गर्मी बनती है उससे जो पानी रहता है धरती पर वो वापस बनकर उड़ जाता है और पानी की कमी के साथ ऑक्सीजन की बहुत मात्रा में कमी हमारी पृथ्वी पर हो जाती है, जिससे जीवन असंभव होता है। और हम विदेशों से आए जो नए नए प्रोडक्ट हैं, नई नई दवाई हैं, उनके सहारे जीने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य खत्म कर देते हैं, उन्हें भी उन प्रोडक्ट की राय देना शुरू कर देते हैं। अगर हमें अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें अपना पर्यावरण सुरक्षित करना होगा। अगर हम हर 500 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ लगाएं तो कुछ ही साल भर में हमारा जो हिंदुस्तान है प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और हमारे जीने का जो ढंग है, यानी कि हम दवाइयों के सहारे चलते हैं, तो धीरे धीरे बदल जाएंगे और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो आइए कुछ नई पहल करते हैं
और इस वर्ष से हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की शुरुआत करते हैं। वैसे भी पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा कहते हैं। इसकी वंदना में एक श्लोक है, चलिए देखते हैं। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सका शंकर मेउच्च पत्रे पत्रे का सर्वदेव नाम वृक्ष राज नमस्तुते। अगर आप सभी भारतीय हैं तो अपनी संस्कृति को बोलिए मत। दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि तब जागो तभी सवेरा। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि अपने हिंदुस्तान को फिर से हरा भरा करने में अपना पूरा योगदान देने के लिए हम समर्थ हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और इस वर्ष हम प्रण लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हम सोच रहे हो कि पेड़ तो हमें भी लगाने थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा काम छूट जाएगा, तो हमने आपके साथ बारकोड शेयर किया है। इस बारकोड पर आप पेमेंट कीजिए और 20, 30, 50 रुपया पेड़ है तो उस हिसाब से आप जितना भी पेड़ लगाना चाहते हैं तो बेझिझक इस पर पेमेंट कीजिए और हम आपके साथ उस पेड़ को अवश्य लगाएंगे और टीम बनाकर पूरे भारतवर्ष को हरा भरा करने के लिए हम भी पूर्णतः तैयार हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।